नो प्रॉब्लम। एन नोमन का मतलब है ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं दे टेक एंडिंग। नॉर्मली नाउन कहाँ एंडिंग लेते हैं, एंडिंग तो एडजेक्टिव लेता है, एडजेक्टिव एंडिंग बोलते हैं ना हम जिसको, बट कुछ नाउन भी एंडिंग लेते हैं। इन नाउन्स का नाम कुछ लोग कहते हैं वीक नाउन, कुछ बोलते हैं इनको एन नाउन, जो एन लास्ट में लेते हैं। ऐसे पर्टिकुलर नाउन है जैसे डेयर, एलिफेंट, डेयर, स्टूडेंट, डेयर, हेयर, डेयर, नाम है डेयर, हाज है डेयर, युंग डेयर, कुंड है डेयर, प्रेसिडेंट डेयर, कैंडिडेट कैंडिडेट डेयर, एक्सपर्ट है एक्सपर्ट है डेयर, फरवंट है डेयर, बिकांट है डेयर, नाखबार डेयर, नेफ है डेयर, अफ है डेयर, टोर डेयर, इडियोट डेयर, डॉइच है करेक्ट, डेयर पोल है डेयर, रूस है डेयर, डेन है डेयर, सिनेज है डेयर, फ्रांसियोज है डेयर, फिंक डेयर, बियोलोग है डेयर, फिलोसोफ है डेयर, पिलोट डेयर, लियो है डेयर, फिंक डेयर, बेयर डेयर, जाक्स है। ऐसे करके कुछ इसमें नाउन है। और आपने देखा सबका इनका आर्टिकल डेर आ रहा है, दिल करके वर्ड है, दस हर्ट्स, दिल जो है हर्ट्स है वो दास है, बाकी जो भी स्वाख नोमन है एन नोमन है ये सब डेयर है। कुछ वर्ड्स और भी याद आ सकते हैं, जिसने लिख रखे हैं वो शेयर कर सकता है। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ एन नोमन? एन नोमन में इफ द नाउन वन ऑफ देम और एनी वीक नाउन, फॉर एग्जाम्पल कुंडे भी है, डेयर कुंड है ना, कुंड मतलब कस्टमर, गेक इडियोट। सो नॉर्मली एज ए नाउन, एज ए नॉमिनेटिव केस दे विल रिमेन सेम। स्टूडेंट तो आपको पहले भी पता था, कभी आई नहीं बात, इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी तक आपने स्टूडेंट को यूज किया है एज ए सब्जेक्ट। आप अगर एज ए ऑब्जेक्ट करते तो बिना वीक नाउन जाने आप कर ही नहीं सकते। सो एज ए सब्जेक्ट दे विल रिमेन सेम, बट वेन एवर यू यूज देम एज ए ऑब्जेक्ट दे विल टेक सम एंडिंग, दिस एंडिंग इज फिक्स, ई एन 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 एन, मतलब पहले से ई है तो एन, और जनरली पहले से अगर मान लो ई नहीं है तो ई एन। किसी किसी में देखो
आर है तो भी एन ही लग रहा है, टी वाले में तो ई एन आता ही है, ज्यादातर में एन ही लगता है, बट हर एक के लास्ट में एन दिखेगा ही दिखेगा। सो वीक नाउन जो कमजोर रह गए वो नाउन, और इनकी कमजोरी ई एन या एन लिख के पूरी की जाती है, आई डोंट नो व्हाई। सो यही वीक नाउन है। अब आप कोई बोलो, मैं बोलूं कि मेरे पास भी आजकल एक स्टूडेंट है, मैं बिना स्टूडेंट वाला टीचर नहीं हूं, आजकल मेरे पास भी एक स्टूडेंट है, तो मैं बोलूंगा इश हाबे औख आइनन स्टूडेंटन। तो प्लूरल होना चाहिए ना, ये सिंगुलर ही है, बिकॉज इट्स वीक नाउन एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू एड एन और ई एन। माइन फादर विल आइनन एलिफेंटन काउफन, मेरे पापा एक एलिफेंट खरीदने की बात कर रहे हैं। एयर विल आइनन एलिफेंटन काउफन, आइनन के साथ भी एलिफेंटन आ गया, यस एयर काउफ्ड आइनन एलिफेंटन, यस। एयर इस्ट माइन फरवंटे, इसमें नहीं आया, फरवंटे का मतलब है रिलेटिव, ये मेरा रिलेटिव है। एयर इस्ट नोमिनेटिव है तो फरवंटे ऐसा कहीं ऐसा आ गया। अगर मैं बोलूं आई एम विजिटिंग माई रिलेटिव, कोई रिलेटिव रहते हैं मेरे यहां पे, एक ही पर्सन है, इस बिजुक है ना, इस बिजुक है, आई एम मीटिंग माई रिलेटिव, फरवांटन, यस, बिकांटन, कुंडन, एरिस्ट एक्सपर्ट है, या इस कैनेडियन एक्सपर्टन, वो एक्सपर्ट है, अरे मेरे को सब पता है वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, इस कैनेडियन एक्सपर्टन, एक्सपर्टन होगा, डेर एक्सपर्ट है, एक्सपर्टन, इस कैनेडियन एक्सपर्टन, तुम जानते हैं इसको, हाँ इस इडियट को मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूं, इस कैनेडियन इडियोटन, डेन एक ही पर्सन को कह रहा हूं मैं, इस इडियट को जानता हूं मैं, इस कैनेडियन इडियोटन, क्यों, क्योंकि इडियट जो है वीक नाउन है, बस वीक नाउन में इतना ही है, इसमें एंड नोमन जो है कुछ और होंगे डेफिनेटली, वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, बट कॉन्सेप्ट यही है, इफ यू आर यूजिंग अदर देन सब्जेक्ट, मीन्स इफ यू आर यूजिंग एज ए ऑब्जेक्ट, इट विल टेक एन एंडिंग एंड दिस विल बी लाइक दिस, तुम मेरे दिल में हो, कैसे बोलूंगा, हर्ट्स, यू आर इन माई हार्ट, यस, डू बेस्ट इन माइनम, डाटी तो हो गई, हेर्टसन, अब मेरे दो तीन नहीं है, एक ही है, बट वीक नाउन के कारण ई एन इज एडेड, डू बेस्ट इन माइनम हेर्टसन, या जो स्टेस,